जब किसी व्यक्ति का रिलेशन टूटता है या फिर ब्रेकअप होता है तो सबसे बड़ा दुख उस व्यक्ति से बढ़कर किसी और को महसूस नहीं हो सकता। उस समय व्यक्ति को संभालने वाला अगर मिल जाए तो संभल जाता है, नहीं तो व्यक्ति डिप्रेशन में या फिर तरह तरह के दिमाग सुसाइड करना, कुछ न कुछ करना ऐसा सोचने लग जाता है। सच उसको पता ही नहीं चल पाता है। तो यह सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने गलती कर दिया है। देखिए, रिलेशन टूटना हर चीज़ में यही निर्भर करता है कि आपने सही चीज़ को ध्यान नहीं दिया। अगर सच को जान लेते, सच में उस चीज़ को समझ लेते तो वह नौबत ही नहीं आता। दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, उसकी गलती से या फिर अपनी गलती से। तो अगर उसे आप बनाना चाहते हैं, वापस तुरंत ही पाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय किसी भी व्यक्ति को इतना झटका लगता है कि उसके लिए असहनीय दर्द होता है। तो उस रिलेशन को आपको तुरंत पाना संभव है कि नहीं, यह बता रहा हूँ, तो यह बिल्कुल भी संभव है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके रिलेशन में, वह है आपका अहम या फिर मैं की भावना। तो उसे नष्ट कर दीजिए और उसके बाद मैं को हटाने के बाद आप ऐसा हो जाइए जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अर्थात अपने आप को इस तरह से रखना है कि अगर वह बुलाए तो चले जाएंगे, नहीं बुलाए तो भी ठीक है। फिर आप इस उपाय को करिए शांत मन से। अर्थात यह उपाय मंत्र का है, एक साधना है, एक शक्ति है, सिद्धि है। जब इस तरह से इस उपाय को करेंगे, मंत्र की साधना करेंगे, तो वह व्यक्ति जो है खुद ब खुद आपके शांत मन की शक्ति से और इस मंत्र की साधना की शक्ति से इस तरह से खींचा चला आएगा कि आप जो चाहेंगे वह करना शुरू कर देगा। लेकिन उस समय अहंकार नहीं होना चाहिए। मंत्र है ओम नमो कामदेवाय कामरूप कामाख्या देवी मम प्रेमार्थे अमुकी देही देही फट स्वाहा अमुकी।